हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हमारे भाग दो के बारे में। इसके पहले भी हमने भाग एक और सेपरेट सेपरेट आर्टिकल्स के बारे में हमने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। और भाग एक के बारे में जो हमने बात की हुई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप भाग एक की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे भाग दो के बारे में। तो भाग दो जो है हमारा नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है ना। और अगर आप यूपीएससी पीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जाम सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ही आवश्यक होता है ना। तो इससे अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो हैं आप अगर जान लेते हैं तो आपको जो है लगभग आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है लगभग 95% आपकी पूरी कवर हो जाती है। सो वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आर्टिकल्स जो हैं 5 से लेकर 11 तक जो होते हैं हमारे भाग दो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हमको याद होना चाहिए। कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भाग दो में आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक आते, तो 5 से लेकर 11 तक आते हैं। हमारा भाग दो किसके बारे में बताता है, तो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। यानी कि पूरा जो हमारा भाग दो है वो हमारी नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित जो है नियमों के बारे में बताता है। जैसे कि हमारा जैसे ही संविधान जो है लागू हुआ था तब के लिए ये महत्वपूर्ण थे ये नागरिकता के जो नियम हैं। फिर भी हमें जो है इन आर्टिकल्स को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब तो वैसे इनका ज़्यादा वैसे उपयोग नहीं रह गया है क्योंकि हमारी संसद के द्वारा विभिन्न अन्य नियमों को जो है बना लिया गया है, उनके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आर्टिकल 5 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं हमारे भाग एक के बारे में। भाग एक हमारा कहता है संघ एवं उसके क्षेत्रों के बारे में बताता है। अब दो होता है हमारा भाग जो है नागरिकता के बारे में बताता है। तो नागरिकता में जो है हमारे 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स आते हैं और हमारे भाग एक में जो होते हैं हमारे 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करने वाले हैं ना। तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि जब हमारा संविधान जैसे ही प्रारंभ हुआ था, मतलब कि लागू हुआ था, उसके प्रारंभ में हम अपनी कैसे नागरिकता जो है हासिल कर सकते थे, किन लोगों को नागरिकता प्राप्त हो सकती थी। तो सबसे पहली कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन को बताया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति इन 3 कंडीशन को पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन, यदि उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो तो वह जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। और सेकंड जो हो जाएगी, यदि उसके माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हो जाएगी हमारा संविधान लागू होने से। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारा संविधान जो हुआ था 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1950 को हम जो है 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरा जो जाएगा हमारा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से जो है हमारे भारत में रह रहा हो। तो ये 3 कंडीशन हो जाती है, हमारा आर्टिकल 5 जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको आर्टिकल 5 समझ में आएगा। और अब हम आर्टिकल 6 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो इसमें भी कुछ कंडीशन बताए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट हो जाएगी, जैसे कि यदि वह या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हो जाएगी, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत को प्रव्रजन किया हो, ठीक है, भारत को प्रव्रजन करता है और भारत के द्वारा भारत डोमिनियन राज्य में विधित अधिकारी द्वारा जो है भारत में जो है पंजीकृत कर लिया जाएगा, ठीक है। पंजीकृत वह तभी मान्य होगा जब वह 6 माह पूर्व से जो है भारत का निवासी हो। ये जो है कंडीशन जो है इसमें बताई हुई है कि यदि इन कंडीशन को वो पूरा करता है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी इसी में, यदि वह 19 जुलाई 1948 को भी अगर को या उसके बाद भी अगर भारत में आया है और भारत में रह रहा है तो भी यदि वह पंजीकृत कर लिया गया है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा जो है 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 लगभग इसी के जैसा है बिल्कुल, कि पाकिस्तान को प्रवास करने वाले भारतीयों की जो है नागरिकता संबंधी अधिकार है ना। जैसे कि 1 मार्च 1947, मतलब कि हमारे देश आज़ाद होने के कुछ माह पूर्व, यदि कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान चला जाता है, जैसे हमारा बंटवारा हो जाता है, देश का बंटवारा हो जाता है और वह पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान में मान लीजिए उसको अच्छा नहीं लगता है और
फिर वो किसी कारण से मान लो पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, जो भी अन्य कारण हो सकते हैं उसके, और वह जो है पुनः जो है भारत आ जाता है, तो भी उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो कैसे नागरिकता कर सकता है? तो वो जो है पंजीकृत होकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और पंजीकृत होने से और भारत पंजीकृत होने से भाई से पूर्व सोए वो है भारत में रह रहा हो। तो आर्टिकल, आई थिंक आपको आर्टिकल 7 भी समझ में आया होगा। आर्टिकल 8 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, भारतीय मूल के लोग किन्हें बोलते हैं? जो भारत में जन्मे हों, है ना, और लेकिन जो है विदेश में रह रहे हों किसी कारणवश, मतलब कि नौकरी कर रहे हों या उनके माता पिता जो वहाँ पे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के राजदूत वगैरह जो होते हैं उनके बच्चे वगैरह तो वहीं पे होते होंगे, तो उनको क्या आप नागरिकता नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे नागरिकता, उनको भी भाई देंगे नागरिकता, है ना। तो ऐसे लोगों को जो है नागरिकता बिल्कुल मिलेगी। तो उन्हें नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो वो भी यदि भारत के विभिन्न जो लोग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उसमें जो है उन्होंने पंजीकृत करवा लिया हो, है ना, कूटनीतिक तरीके से उन्होंने पंजीकृत करवा लिया हो, तो आर्टिकल हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है। अब 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 हमारा क्या कहता है? विदेश में अगर जैसे आप कहें कि विदेश की, जैसे कि आप यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी इंडियन जो सिटीजनशिप है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना, आपको खत्म नहीं करनी पड़ेगी, इंडिया वाले खुद ही भगा देंगे आपको, है ना, कि आपने भाई वहाँ की नागरिकता ले ली है तो हमारे यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म। तो आर्टिकल 9 ये कहता है बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर हमारी भारतीय नागरिकता जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। 9वां हमारा कंप्लीट हो जाता है। 10वां, 10वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संसद की क्या बोलते हैं, हमारी नागरिकता की निरंतरता संबंधी अधिकार, मतलब कि यदि हम जो है 5, 6, 7 और जो इनमें दिए गए हैं हमारे उपबंध, यदि इन पूर्वगामी उपबंधों के तहत जो है हम किसी उपबंध के तहत भी अगर हम भारत के नागरिक माने जाते हैं तो हमारी जो है ये नागरिकता जो है हमेशा बनी रहेगी। यानी कि संसद जो है आगे भी अगर कोई कानून बनाती है तो उनकी निरंतरता, हमारी नागरिकता की निरंतरता जो है हमेशा बनी रहेगी, ये हमारा आर्टिकल जो है 10 बताता है। अब 10 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद के नागरिकता संबंधी विधि निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया है इसमें, मतलब कि संसद जो है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और उनके जो है विभिन्न प्रकार के नियमों को जो है बना सकती है, इसको बताया गया है ना। और इसमें यही भी लिखा हुआ है कि संसद के जो है नागरिकता संबंधी अधिकार को बनाने की शक्ति को जो है अल्पीकरण मतलब कि कम नहीं किया जा सकता है, मतलब कि संसद के इस नियम बनाने के जो उनकी शक्ति है इसको कम नहीं किया गया है। और आपको पता होगा कि संसद कौन बनाती है? संसद तो नियम बनाती है, और ये सब जो नागरिकता संबंधी जो आते हैं कार्य वगैरह ये सब हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आपको भाग 2 बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 जो होता है हमारे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता देता है ना, जिसमें हमारी 3 बातों को बताया हुआ है ना, तो आपको समझ में आएंगी। और आर्टिकल हमारा 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार हो जाएंगे, नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा 7। तो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के संबंधी अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 8वां हो जाएगा हमारे भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। 9वां हो जाएगा हमारी विदेशी नागरिकता के अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वां हो जाएगा हमारी निरंतरता हो जाएगी, नागरिकता की निरंतरता हो जाएगी। यदि यदि हम जो है किसी भी पूर्वगामी उपबंध के तहत यदि हम पंजीकृत कर लिए गए हैं तो हमारी नागरिकता जो है निरंतर बनी रहेगी। और लास्ट हमारा क्या बोलता है कि संविधान के जो अर्जन करने के संविधान में जो नागरिकता संबंधी जो है अधिकार है उसका जो शक्ति है, बनाने की शक्ति है संसद की, मतलब कि अर्जन की और समाप्ति की और भी अन्य नियम बनाने की जो शक्ति है संसद की उसको जो है संसद बनाएगी, सबसे पहली बात तो ये है, और उसके जो है इस शक्ति को जो है कम बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके देख सकते हैं, रिपीटेड 1-2 बार देखिए तो आपको आर्टिकल बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और बिल्कुल आप याद करने की बिल्कुल कोशिश भी मत करिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए और आपको बिल्कुल धीरे धीरे आपको सभी आर्टिकल्स बिल्कुल याद हो जाएंगे। और सरस्वती ज्ञान चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।